साथियों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अगर सत्ता में रहती है तो खा खा कर देश को खोखला करती है, और जब ये सत्ता से बाहर जाते हैं तो देश को गाली दे देकर बदनाम करने लगते हैं। इनको भारत की प्रगति से इतनी तकलीफ है कि इनके नेता विदेश में जा जाकर के भारत को गाली देते हैं। आपको याद होगा, जब जब देश की सेना ने शौर्य दिखाया है तब तब इन्होंने सेना को भी नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं बोला। सेना कहती है हमने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे तबाह किए, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो कांग्रेस कहती है कि सबूत दिखाओ, हमारी वायुसेना पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करती है, तो ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस को सेना और सैनिकों से हमेशा दिक्कत रही है, इसलिए वीरों की धरती राजस्थान, जहां से इतने युवा सेना में जाते हैं, उनसे कांग्रेस चिढ़ी रहती है। हमारी सेना के जवान कितने वर्षों से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की। यही नहीं, सेना के काम में भी ये लोग झूठ और धोखेबाजी से बाज नहीं आए। वन रैंक वन पेंशन के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस सरकार कागज पर केवल 500 करोड़ रुपए दिखाकर ओआरओपी को धोखा दे रही थी। हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू किया, पूर्व सैनिकों को इसके तहत करीब 65,000 करोड़ रुपए मिले हैं। राजस्थान के भी हमारे करीब 1.25 लाख पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिला है। इससे पता चलता है कि भाजपा और कांग्रेस की सोच में क्या फर्क है, भाजपा और कांग्रेस की नीयत में क्या फर्क है। कांग्रेस अपनी सियासत के लिए देश के नुकसान और अपमान से कभी भी नहीं चूकती, भाजपा के लोग देश के लिए पद प्रतिष्ठा सब कुछ बलिदान करने से भी नहीं चूकते।